वेट, हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 13, टाइम, एक्सरसाइज 6 एंड क्वेश्चन नंबर 2. वी विल लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट द टाइम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. गाइज, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टाइम फ्रॉम 11 आवर्स 20 मिनट्स. ओके, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द टाइम. बेटा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग और वहां पे हमें फ्रॉम लिखा जाए तो हम फ्रॉम वाली चीज के पीछे जो लिखा होता है उसे आगे लिखते हैं, क्योंकि हमें आगे वाले को माइनस करना होता है पीछे वाले में से. ओके, सो हियर व्हाट वी विल डू, वी राइट 11 आवर्स एंड 20 मिनट फर्स्ट, ये पहले लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, 2 आवर्स आवर एंड 5 मिनट. ओके, ऐसे इनको लिख देंगे. इसके बाद हम आवर्स को लिखेंगे और मिनट्स को लिखेंगे कि कितने आवर्स और कितने मिनट है. इनको मेंशन करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करवा देंगे इनकी. ओके, तो उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है, यहाँ पे हमारे पास है 11 और दूसरी ओर मिनट्स में है 20 और पीछे कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 5 है, तो 5 को यहाँ पे और उसके आगे 0 माइनस कर देंगे. देखो यहाँ पे, अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, वी हैव टू बोरो एंड हियर वी राइट 1 एंड हियर वी राइट 1 एंड 0 10. सो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, हियर वी राइट 5 एंड 0 फ्रॉम 1, 0 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 1 एंड 9 में से 2 माइनस करके हमारे 11 में से 2 माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 9. सो दिस विल बी 9 आवर्स आवर्स एंड 15 मिनट्स. ओके, दिस विल बी द आंसर. सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं. हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टाइम एंड यहां पे इसे ठीक कर लेते हैं एक बार. सेवन आवर्स 20 मिनट्स है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना 15 आवर्स से, आवर्स से, तो 15 आवर्स आगे आएंगे माइनस 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स. तो इसके बाद हम आवर्स लिखेंगे एंड मिनट्स लिखेंगे. आवर्स में हमारे पास 15 आवर्स है और मिनट कोई नहीं है, तो उसके लिए हम 0-0 लगा देंगे. ओके, और यहाँ पे 7 आवर्स है और 20 मिनट्स है. जब भी टाइम को सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उनके बीच गैप कितना है. जैसे आवर्स से मिनट में 60 का गैप है, तो अगर हम 1 कैरी लेंगे, क्योंकि ये नीचे का छोटा नंबर बड़ा है, तो 1 कैरी लेंगे, तो यहां से तो 1 माइनस होगा, बट दूसरी ओर 60 आएगा और उस 60 को इन ऊपर वाले नंबर्स में ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे मतलब 60 प्लस 0-0 को ऐड करके 60 ही आएगा, और उस 60 में से 20 माइनस करेंगे और वो कितना आ जाएगा आपका 40. तो मतलब यहाँ पे सोल्व करने पे कितना आ गया हमारा 40, और 14 में से 7 माइनस करके 7 आ गया. सो दिस विल बी 7 आवर्स एंड 40 मिनट्स. मैं एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूँ, सेम इसी के ऊपर है. आई होप कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाए. सारे के सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह से हम इनको सोल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पे आवर्स एंड मिनट्स लिख लेते हैं. आवर्स एंड मिनट्स, इन आवर्स वी हैव 3 एंड 15, आवर में 3 आवर्स 15 मिनट्स एंड 12 आवर्स. देखो, ये आपको ध्यान रखना था कि हमें माइनस करना है इस टाइम को, और वो भी इस टाइम से, तो हम लिखेंगे 12 आवर्स 40 मिनट और उसके नीचे 3 आवर्स 15 मिनट माइनस करेंगे. ये इजीली माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे का नंबर छोटा छोटे ही है, बट यहाँ पे दिक्कत आएगी, ये 5 है और इस जीरो के लिए हम इस नंबर से कैरी लेंगे,
बट जब हम इसके लिए कैरी लेने के लिए इस नंबर के पास आएंगे तब 60 लेना होगा। ओके, यहां से तो हम कट करके इसको 3 और इसे 10 लिख सकते हैं, बट जब यहां से हम कैरी लेंगे ये नंबर एक नंबर छोटा होगा और यहाँ पे 60 प्लस करके हमें उसमें से माइनस करना है। ओके, तो यहाँ पे 10 माइनस 5 इज 5, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 12 जो था वो 12 का 12 ही है, तो 12 माइनस 3 इज 9, सो इट विल बी 9 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम पहले इन्हें रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सा टाइम आगे आएगा कौन सा पीछे जाएगा। 16 आवर्स 15 मिनट्स माइनस 8 आवर्स 28 मिनट्स। ओके, तो हम यहाँ पे आवर्स एंड यहाँ पे मिनट्स लिख लेते हैं। आवर्स में हमारे पास आएंगे 16 और मिनट्स में 15, यहाँ पे 8 और दूसरी ओर 28 और फिर हम इनको माइनस कर देंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये नीचे का नंबर हमारा क्या है, छोटा है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना होगा। ये नंबर 15 है और ये 28 है, तो आवर्स में कैरी लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 15 और यहाँ पे जो कैरी आएगा वो आएगा 60। तो ये जो 60 आएगा ना बच्चों, ये हमें 60 प्लस करना है 15 में, जो आंसर आएगा उसमें से 28 को माइनस करना है। ओके, तो हम 75 में से 28 को माइनस करेंगे, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, 5 छोटा है तो कैरी ले लेते हैं, 15 आ गया, 15 में से 8 माइनस करके 7 और 6 में से 2 माइनस करके 4, तो यहाँ पे क्या टाइम आया 47। देन 15 में से 8 माइनस करके हमारा कितना आ गया 7, सो वी हैव 7 आवर्स एंड 47 मिनट्स, ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 10 आवर्स 35 मिनट्स एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 20 आवर्स एंड 10 मिनट्स, तो हम यहां पे लिखते हैं 20 आवर्स, पीछे वाले नंबर को हमेशा आगे लिखना है क्योंकि माइनस करना है, 20 आवर्स 10 मिनट्स माइनस 10 आवर्स 35 मिनट्स। ओके, तो पहले आवर लिखते हैं यहां पे और दूसरी ओर लिखते हैं मिनट्स। आवर्स में हमारे पास 20 आवर्स हैं और 10 मिनट्स हैं और दूसरी ओर 10 मिनट्स है, 10 आवर्स हैं और 35 मिनट्स हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताएंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखो, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो क्या करना है, हमें क्या करना है, यहां से कैरी लेना है, बोरो करेंगे जहां पे आ जाएगा 90 और इस नंबर को चेंज करेंगे हम, यहाँ पे आएगा 60 और इन दोनों को ऐड कर देंगे। 60 में 10 ऐड किया जाएगा, इसका रीजन ये है कि आवर्स से मिनट में कन्वर्ट करते टाइम यहाँ पे 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 60 लेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 70 मिनट्स। अब 70 में से 35 माइनस करेंगे, वो कितना आ जाएगा 35 यहाँ पे, 19 में से 10 माइनस करके 9 यहाँ पे, सो इट विल बी 9 आवर्स एंड 35 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम, पहले 18 आवर्स लिखते हैं, 12 मिनट्स एंड माइनस करेंगे 17 आवर्स 32 मिनट्स। ओके, तो आवर्स यहां पे लिख लेते हैं, मिनट्स, आवर्स में हमारे पास है 18 आवर्स 12 मिनट एंड दूसरी ओर 7 आवर्स 32 मिनट्स और फिर हम इनको माइनस कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पे कि हमारा जो नंबर है ऊपर का वो छोटा है,
ओके, जो ऊपर का नंबर है वो छोटा है, 12 छोटा है, हमें बोरो करना पड़ेगा और यहाँ पे 17 आ जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। 60 प्लस 12 विल बी 72 एंड 72 में से 32 हम माइनस करेंगे एंड दिस विल बी 0 एंड 4 40। तो यहाँ पे कितना आ गया 40 और ये 17 में से 17 माइनस करके आ गया 0, तो आंसर हमारा आया 40 मिनट्स। आई होप कि आपको टाइम की जो सब्ट्रैक्शन है वो समझ में आई। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।